आपका रोल जो है ना, वो कोई यूनिफॉर्म रोल नहीं है, बल्कि रोल कॉन्फ्लिक्ट है आपके रोल में। आपके रोल में रोल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स को इनके नीड्स जो है एक दूसरे से अलाइन नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से इन कॉम्पिटिशन होते हैं। तो इसलिए जब आप अपना रोल प्ले करते हैं तो आपके रोल के एक्सपेक्टेशंस में बाज लोगों को अच्छा लगता है, बाज लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है। और ये याद रखिए कि आप कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं इलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं, बल्कि आपको इस पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन ने नॉमिनेट किया है। तो आपका काम ये नहीं है कि आप पॉपुलर वोट हासिल करें। इफ यू वॉन्ट टू प्लीज एवरीबडी देन सेल आइसक्रीम। तो प्रोजेक्ट मैनेजर से सारे लोग खुश नहीं हो सकते, चीफ एग्जीक्यूटिव से सारे लोग खुश नहीं हो सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव हो जिससे सारे लोग खुश हो। 80%, 85%, 90% लोग अगर खुश हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव इज लकी। वरना बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे होते हैं जिनसे लोग बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। तो एज लॉन्ग एज दे आर एंजॉइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर, दे सर्वाइव ऑन देयर पोजिशंस डिस्पाइट डिसप्लेजर ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स। तो इसलिए ये जहन में रखिएगा कि आप जो आप मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने होते हैं जो टफ होते हैं, जो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगे, बट यू टेक द डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू हैव टू जस्टिफाई दैट डिसीजन टू योर सुपीरियर्स, योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। जी, जैसे मिसाल के तौर पे आप रिसोर्स एलोकेटर भी हैं और नेगोशिएटर भी हैं। आप निगोशिएट करके आप किसी को वो रिसोर्स नहीं दे रहे हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरह और बहुत सारी जगहों पे रोल कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और जितनी सीनियर पोजीशन होती है उसमें उतने ज़्यादा इस रोल कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, एंड यू नीड टू हैंडल दैट एज दैट पर्सन। अब प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स कंस्ट्रेंट रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है।